अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ रूम्स ही रूम्स लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या है नहीं बताया है और ताला लगा दिया है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की, इसके अंदर क्या है नहीं बता रहे हैं। मैं मेन गेट का चाबी लेके साथ में घूम रहा हूँ, ये ठीक नहीं करवाते, इनकी इतनी दादागिरी हो रही है सर। काम ना लगी थी, ना लगी है, ना कभी लगेगी, इसका मेन है करप्शन। आप देखिए 75 साल हो गए आजादी को, आप 2047 में ओलंपिक्स कराने की बात कर रहे हो। 31.5 mm बारिश हुई थी 5:30 से 7:30 बीच में सैटरडे को, उसमें पूरा शहर ढह गया। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप 16,000 crore MCD को बजट देते हो, एक वो नहीं बनवा पा रहे हो ड्रेनेज सिस्टम, कहाँ ओलंपिक्स कराओगे आप? ये बताइए आप नीचे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अरे मेरे पास नहीं है बेसमेंट सर। अरे सर बगल में है। अरे सर बगल इसमें क्या है सर? ये सर शॉप है, बेसमेंट नहीं है। कहाँ है यार बेसमेंट? क्या है ये? ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है। दिखाइए ना सर ग्राउंड। सर आप जब है तो दिखाइए ना, कोई भीड़ नहीं आएगी। सुनो सारे सर सब जानते हैं, सर सब जानते हैं, सब जानते हैं, तो दिखाने क्यों नहीं दे रहे हो? सब जानते हैं सर। क्या क्या कोई अंदर नहीं आएगा? सुनो कोई अंदर, हाँ हमारा कैमरामैन जाएगा अंदर। बेसमेंट है अगर आपको लग रहा है। लाइब्रेरी है? नहीं है, नहीं है। क्या है? क्या है? अरे भाई ग्राउंड फ्लोर। अच्छा ठीक है, ग्राउंड फ्लोर हटिए। लाइसेंस कहाँ? अच्छा सामने से हटो, शॉट बनाओ, शॉट। अरे भाई अरे रुको, शॉट बनाने दो हटो सामने से। क्या लिख रहा है पढ़ दो, उस पे क्या लिख रहा है? अरे रुक जा, हट जाओ ना, सामने से हट जाओ। अरे यहाँ दिखा रहा है, ऊपर से बनाओ शॉट, ऊपर से लिखा हुआ है। वो देखो। अरे आप बताओ कि मुझे कहाँ जाए, बच्चे जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाएंगे ना, हम तो बच्चों के लिए आए ना हम लोग। इतनी दादागिरी मचा रखी है कि मैंने ना अपने फ्रेंड के थ्रू रूम लिया था, मैंने डायरेक्ट अंकल से बात करी थी रेंट के लिए, है ना, इनको ब्रोकर नहीं दिया था। 4 दिन से ना गेट का ना कुंदा टूटा पड़ा, ठीक नहीं करा, बस बोला आपने ब्रोकर नहीं दिया ना मेरे को, इसलिए ठीक नहीं करूँगा मैं गेट। मैं मेन गेट का चाबी लेके साथ में घूम रहा हूँ, ये ठीक नहीं करवाते, इनकी इतनी दादागिरी हो रही है सर। इस पे अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ रूम्स ही रूम्स लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या है नहीं बताया है और ताला लगा दिया है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की, इसके अंदर क्या है नहीं बता रहे हैं। 10,000 रुपये का रूम 20,000 में, 5,000 का रूम 10,000 में, डबल रेट में यहाँ देते हैं। और जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग के लिए आए तो इन्होंने अंदर दिखाने से मना कर दिया, इसको लाइब्रेरी बताने से मना कर दिया। यहाँ पर सैकड़ों छात्र मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से यहाँ पर लाइब्रेरी चलती है और कैसे रूम दिए जाते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ सर, इधर ही रहता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ सर इधर। तो यहाँ क्या चलता था कुछ पता है आपको? सर 21 दिन का ब्रोकरेज लेते हैं, 21 दिन का ब्रोकरेज है, 10,000 हो तो 4,000-5,000 तो ब्रोकरेज लेते ही सर इधर है, लूट लेते हैं सर बच्चों के लिए। कम से कम 10,000 रुपये में इधर परेड रूम मिलता है, उससे 25-30,000 में भी देते हैं सर ये लोग। हम राजेंद्र नगर की एक और ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए हैं जहाँ पर बेसमेंट में क्लासेस चलाई जाती हैं। ये देखिए जैसे ही ये हादसा हुआ, हादसे के बाद इस बेसमेंट को बंद कर दिया गया, या छात्रों को कहना है कि यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। जी यहाँ पर क्लासेस चलती है क्या नीचे? जी भैया बिल्कुल, यहाँ पे पूरे 12 महीने, ये अभी इन्होंने सिर्फ ये 2-5 दिन दिखाने के लिए, ताकि बच्चे यहाँ आए नहीं, प्रोटेस्ट करें नहीं, इसलिए उन्होंने ताला लगाया है। और MCD वाले भी सिर्फ बार बार ही काम करके चल गए हैं, जबकि मेन परेशानी तो अंदर है। अंदर तो इतने बुरे हाल है कि बाहर तो दिख गया इसलिए काम हुआ है, अंदर तो और बुरे हाल आप देख लो। और अंदर यशोदा चल जाओगे ना आगे तक, तो वहाँ तो कोई गया ही नहीं है। वहाँ तो आज भी मैं जिस रूम पर रहता हूँ 28/28 उसका है, वह नीचे सिविल सर्वेंट लाइब्रेरी, वो बेसमेंट में चल रही है आज भी, अभी भी यह हाल है सर। वहाँ पर 28/28 है, ओल्ड रजिंदर गवर्नमेंट, यशोदा डेयरी के पहले पड़ती है सर वो, तो गोल चक्कर के पहले। अभी भी उन पर कोई लगाम नहीं लगी है? वहाँ कोई पहुंचा ही नहीं सर, और हमें से बोल देना लगाम ना लगी थी, ना लगी है, ना कभी लगेगी, इसका मेन है करप्शन। आप देखिए 75 साल हो गए आजादी को, आप 2047 में ओलंपिक्स कराने की बात कर रहे हो। 31.5 mm बारिश हुई थी 5:30 से 7:30 बीच में सैटरडे को, उसमें पूरा शहर ढह गया। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप 16,000 crore MCD को बजट देते हो, एक वो नहीं बनवा पा रहे हो ड्रेनेज सिस्टम, कहाँ ओलंपिक्स कराओगे आप? कौन जिम्मेदार है इन 3 बच्चों की मौत का? दिल्ली पुलिस, MCD आर द मोस्ट करप्ट एंटिटीज ऑफ दिस इंडिया, और ये पूरी अबॉलिश होनी चाहिए, चाहे हमें मरना पड़े इसके लिए। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि लाइब्रेरीज अभी भी कुछ जगहों पर चल रही है, दिखावे के लिए जो मेन रोड की लाइब्रेरीज थी बेसमेंट में उनको सील कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक जो सामने 13 लाइब्रेरीज को बंद किया गया है, उनको भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद अब प्रशासन जागा है। प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए राजधानी में चल रहे बड़े कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। नगर निगम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि IAS नेहरू विहार स्थित बेसमेंट को सील कर दिया।
जानकारी मिली है कि उस बेसमेंट में 300 बच्चों को पढ़ाया जाता था और वो बेसमेंट असंवैधानिक और गैरकानूनी तरीके से नीचे चलता था, नियामक जो थे उसमें पूरे नहीं किए जाते थे, इसीलिए उसको सील कर दिया गया। बड़ा सवाल यही उठता है, देश भर के IAS एस्पिरेंट्स को संविधान सिखाने वाले, एक बड़ी शिक्षा देने वाले, हजारों बच्चों के मेंटोर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति आखिर गैर कानूनी काम कैसे कर सकते हैं? ओल्ड राजेंद्र नगर के हादसे के बाद राजधानी के बड़े कोचिंग सेंटर्स पर MCD की कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए दृष्टि IAS के नेहरू विहार के एक बड़े कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। हम अपनी सही डिमांड रख रहे हैं, LG भी आए थे, हमने से बात किया, हमारी डिमांड सुनी गई है। उन्होंने शाम तक बोला है कि हम आपको मीटिंग कर रहे हैं और शाम को आपको हम डिक्लेयर कर देंगे कि हम क्या 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 कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हम एक्शन लेंगे। धरना प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों के बीच हम आकर बैठे हैं। इनका कहना है कि जो धरना प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं उनको गलत तरीके से प्रटेंड किया जा रहा है, मीडिया में गलत तरीके से उनको दिखाया जा रहा है, उनके बारे में गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कल आपके बारे में अखबार में कुछ ऐसा गलत छपा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सर अभी तो सारी चीज़ें उठेंगे, कुछ भी कोई भी छाप है हमें नहीं मतलब है, यहाँ पे हर तरह के लोग भी आ रहे हैं, हमें नहीं है, हम जो रियल स्टूडेंट हैं खुद भी आए, सारे LG सर ने खुद ने नाम बुलाया डेलीगेशन के, 10 लोग हम लोग कल आज यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल आए, छात्रों से मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी छात्र जो है संतुष्ट नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया गया है, क्या इतना कुछ काफी नहीं है? LG सर जब आए थे तो हम 10 लोगों की डेलीगेशन उनके पास गए थे, हमने हमारी ये जो सारी डिमांड्स है ये डिमांड्स हमने LG सर के सामने रखी, वो लेके भी गए हैं हमारी सारी डिमांड्स, और उन्होंने हमें बताया है कि वो इसके ऊपर एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे और ये सारी डिमांड्स है ये हम वो सामने लेके आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के, सबके सामने ये डिमांड्स लेके आएंगे और इसके ऊपर कोई एक्शन जल्दी से जल्दी वो लेंगे, ये उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया है। बट अभी स्टूडेंट्स के दिल में जो संवेदना है इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं और तब तक बैठेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता, जब तक सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड नहीं होता है। जो अभी LG कहकर गए हैं क्या उतना काफी नहीं है, आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं जो भी डिमांड है वो पूरा, सबसे पहली बात जो है सर वो जो भी स्टूडेंट सर जिनकी कैजुअलिटी हुई है सर उनको कॉम्पनसेशन मतलब जल्दी से, और 10 लाख सर ये क्या कर रहे हैं, ये बोले 10 लाख सर दे कर रहे हैं सर, मिनिमम 1 करोड़ रुपए सर, मिनिमम 1 करोड़ उनको कम से कम दिया जाए, और जो भी स्टूडेंट है सर, और उसके बाद जो भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं सर, जो भी इसमें दोषी फैसल जी सुनिए, अभी कुछ लोग आपके बीच आए हैं जो खुद को टीचर फैकल्टी बता रहे हैं, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप UPSC एस्पिरेंट्स हैं, आपको ये क्या उनसे ये सवाल बनता है कि जो हमें आज आप सिखा रहे हैं क्या उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम दुनिया को समझा, क्या उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम समझा? सर वो हमें GS 4 में एथिक्स पढ़ाते हैं, मॉरलिटी पढ़ाते हैं, लेकिन वो खुद फॉलो नहीं करते हैं, उनकी कथनी और करनी में कितना ज्यादा अंतर है। मतलब मैम मेरा सवाल आपसे यही है कि अभी आपने इन लोगों का एथिक्स समझाया, आप भी तो यही पढ़ाते हैं, फिर इसमें क्यों इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया? दुनिया को IAS स्टूडेंट्स को आप दृढ़ सिस्टम समझाते हैं, इसमें क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया, प्लीज बताइए मैम। आई एम ट्राइंग टू यूनाइट दीज चिल्ड्रन, प्लीज। यूनाइट तभी होगा ना, तब इन लोगों की बात मानी जाएगी मैम। तो बात मान रहे हैं हम, हमारा कोई वो नहीं है, हम सब बच्चों को साथ में बिठाना चाहते सो दैट दे कैन टॉक। अभी मैं सुन रहा था आप समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये हैं अब, लेकिन जो हो रहा है क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? ऑब्वियसली होगी, क्यों नहीं होगी, वी हैव टू गिव देम दैट होप, क्यों नहीं होगी? मैम अभी तक नहीं हुई है ना, जो इनकी मांगे वो पूरी नहीं हुई है, बीन अरेस्टेड, प्रोसेसेस टेक टाइम, एक रात की बात नहीं होती है। सर कल जब ऑफिसर आए थे MCD के, हमारे बीच से सर एक बच्चा नहीं जा पाया था जो ये ORN का है सर, एक बच्चा नहीं जा पाया था। MCD कमिश्नर ने कहा था कि पूरे ग्रुप में से कोई 4 लोग आ जाओ, हम उनसे बात कर लेंगे, इसे कोई ORN का बच्चा नहीं गया था कल सर, सबसे बड़ी बात है। और जो आज LG सर आए थे उन्होंने खुद 10 बच्चों का नाम लिया डेलीगेशन का, और खुद अपन 10 बच्चे गए, उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमारा बात सुना, लेकिन जब LG सर अंदर आए जब फिर उन्होंने नारेबाजी चालू की, वो खुद यहाँ से गुस्से में भागे, तो हमारी कोई बात यहाँ सुनी नहीं जाएगी सर जब ऐसे चलेगा, तो सबसे पहले हमारी बातों को सुना जाए स्टूडेंट जो है।
अभी आपसे पूछा जा रहा था कि आप कौन हैं, आप कब से यहाँ प्रदर्शन करें, कब से बैठे हैं? मैं तो जब से ये इंसिडेंट हुआ तब से यहाँ पे बैठे हुए हैं हम। जी सर, आपको समझाने की कोशिश की जा रही है आपकी टीचर्स के द्वारा, लेकिन फिर आप फिर परेशानी कहाँ आ रही है? अगर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप IAS एस्पिरेंट्स हैं, दुनिया का देश का भविष्य हो सकते हैं। हर बात सुन रहा हूँ सर, जेन्युइन हर बात सही कह रहे हैं सर, बट सर उनको भी सेम बात कह सकते हैं, वो यहाँ पे क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ सकते, हम क्यों उनसे जुड़े, वो हमारे साथ आके। क्या ये प्रदर्शन दो धड़ों में बंट चुका है? नहीं, हम बांटना चाहते हैं, हमारा एक ही मुद्दा है, साइलेंट प्रोटेस्ट, वी आर वन, हम सब एक हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट, दैट्स इट। यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सब अपने भाई हैं और सब, बस न्याय मिल जाए और आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो, मतलब ऐसी चीजें दोबारा ना हो, सबको हम एक भाई हैं, UPSC वाले सबको एक ही है। यहाँ पर जो लाइब्रेरीज बेसमेंट में चलती थी उनको सील कर दिया गया है, लेकिन अभी कुछ गली कूचों में अभी भी चल रही हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसको लेके भी आपकी मांग है कोई? इस पे बोलो, मुखर्जी नगर सर समझिए आग लगी थी, उस समय पे 10 दिनों के लिए सारी लाइब्रेरियाँ बंद करा दी गई थी, लेकिन उसके बाद सारा कुछ होने को तो लाइब्रेरी फिर से ओपन है, सारी चल रही हैं सर, सारे मुखर्जी पूरी लाइब्रेरी ओपन है, तो हम कैसे ट्रस्ट कर लेंगे फिर ये चीज़ आगे नहीं होगी, फिर यहाँ से सारे कुछ हो जाएगा, फिर लाइब्रेरी हमें पूरा एविडेंस चाहिए, पूरा प्रूफ चाहिए। सर लाइब्रेरी बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है, आप सारी लाइब्रेरीज बंद कर दोगे हम पढ़ेंगे कहाँ? हमारी सेफ्टी मेजर्स के साथ आप लाइब्रेरी चलाओ, हम आएंगे। आप लाइब्रेरी बंद करके सोल्यूशन दे रहे हो, आप सोल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम पूरी खत्म कर रहे हो, सोल्यूशन खत्म कर रहे हो। आप लाइब्रेरी चालू रखो, हमारे मेजर सेफ्टी मेजर्स लाओ वहाँ पे, कि अगर वहाँ वाटर लॉगिंग होती है, आग लग जाती तो हम कैसे निकलेंगे, ये चीज़ आप लाओ ना। हादसे को 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, छात्र अपनी मांगों को लेकर के लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के बीच में कुछ राजनीतिक लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि राजनीति नहीं चलेगी और छात्र उनका बहिष्कार कर रहे हैं। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों ने ये भी बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो यहाँ से नहीं हटेंगे। जो बेसमेंट सील किए गए हैं, उन सील्ड बेसमेंट में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लाइब्रेरीज चलती थी, वो भी हमने आपको दिखाई, और किस तरीके से रीडिंग रूम के नाम पर छात्रों से एक मोटी रकम ली जाती थी, हमने आपको वो भी दिखाया, और किस तरीके से आज दृष्टि IAS के बेसमेंट को सील कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, MCD अपना पल्ला झाड़ रही है, इस पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कब तक ये हादसे पे हादसे होते रहेंगे? कैमरा जर्नलिस्ट अनुज के साथ मैं गौरव किशोर शर्मा, दिल्ली।